बच्चों में नशीले पदार्थों की लत लगती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ये माँ बाप को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वीडियो बनाया गया है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा पाया गया है कि 5-6 साल के ऊपर, 15 साल 18 साल तक बच्चे अभी बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ के आदि हो रहे, शौक कर रहे, उनको लत लग रही है। और उसमें सिगरेट, तंबाकू, फिर शराब, फिर वाइटनर, कफ सिरप, गांजा, पेट्रोल सूंघना, चरस, भांग, मतलब ऐसे अलग अलग पदार्थ जो है नशीले, उसका शौक करते हैं, उसके वो बच्चे आदि बन गए, आदि हो गए। अब ये मतलब पेरेंट्स को मालूम ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ हो रहा है। पेरेंट्स ने अभी आजकल सजग होना बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को कुछ लक्षण दिख रहे क्या, कुछ अजीब लक्षण ऐसे दिख रहे हैं तो तुरंत उन्होंने उसको टोकना चाहिए, डॉक्टर की हेल्प लेना चाहिए। तो ऐसे कौन से लक्षण है, यदि माँ बाप उसके बारे में सतर्क रहे तो मालूम पड़ेगा कि उससे भी गड़बड़ हो रही है। तो एक तो वजन कम होना, बच्चों का वजन कम होते जा रहा है, वो खाने में ज़्यादा रुचि रखता नहीं है, खाने में उसको मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी दिया तो भी चलता है, उसको ज़्यादा शौक नहीं कर रहा है खाने के, और उसका धीरे धीरे वजन कम हो रहा है। फिर नींद नहीं ठीक ले रहा है, रात को नींद लेट आ रही है या सुबह जल्दी उठ जाता है, रात को ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर खेलेगा, यूट्यूब के ऊपर खेलते बैठेंगे, कुछ तो भी करते बैठेंगे रात को, या सोएंगा नहीं जल्दी, तो रात को बहुत लेट सो जाते हैं। फिर थकान महसूस करना, बच्चा ये थकान महसूस करना है, जल्दी थक जाता है, और शाम को ऐसा लगता है कि बहुत थका हुआ है, उसको कुछ एनर्जी नहीं है, तो ये भी उससे हो सकता है। फिर बच्चों को खांसी, सर्दी, जुकाम बार बार आ रहा है, सीने में दर्द है, आंखें लाल होना, सांस लेने में तकलीफ, आवाज़ में खराश हो रही है, तो ऐसे लक्षण उसको बार 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 आ रहे हैं, तो कुछ तो भी नशा वो ले रहा है ऐसा हो सकता है। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना, बदन में दर्द, बदन के ऊपर जख्म है, कहीं ना कहीं जख्म ले, या इंजेक्शन की निशानी है, इंजेक्शन लेता है और उसकी कोई निशानी दिख रही है। बच्चा ख्वाबों में रहता है, ज़्यादातर शून्य में देखेगा, ख्वाबों में रहेगा, अकेले अकेले रहना पसंद करेगा, उसकी याददाश्त कम है, क्या हो गया, नहीं मेरा ख्याल नहीं था ऐसा बोलेगा, उसको ख्याल नहीं रहता है, मेमोरी कम हो गई ऐसा लगता है, चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा कर लेगा, गुस्सा कर लेगा, फिर झूठ बोलेगा, स्कूल में नहीं जाएगा या कॉलेज में नहीं जाएगा, फिर चोरी करेगा, घर से फिर भाग जाएगा कहीं, कोई ऐसे बच्चों के साथ में रहेंगे जो आपको लगता है कि अजीब है, लोग कोई तो भी नई कंपनी दिख रही है, या झोपड़पट्टी के लोगों के साथ में उठना बैठना चले, उसके दोस्त बन गए कुछ तो भी नए लोग, अजीब कपड़े पहनेगा, हिप्पी जैसे कपड़े पहन रहा है, या अजीब कोई कपड़े पहन रहा है, साफ़ सुथरा नहीं खुद को रख रहा है, स्नान नहीं कर रहा है ना, साफ सफाई नहीं, स्नान नहीं है, फिर लोगों के ऊपर शक करना है, अकेले रहना पसंद कर रहा है, फिर अकेले इसमें खो जाना, स्कूल कॉलेज में इरेगुलर है, वहाँ से कंप्लेंट आ रही है कि वे स्कूल में नहीं है, या स्कूल में गया तो झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा वहाँ, तो ऐसा मतलब उसके लक्षण दिखाई देते कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। तो लक्षण एकदम दिखाई देते नहीं हो, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है, और उसको यदि मतलब बेदखल कर दिया, उसके तरफ ख्याल नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक लड़का भी मेरे तरफ लाया था माँ बाप ने कि इसमें गया था, मॉल में गया, और मॉल में जाने के बाद में उसने वहाँ चोरी कर लिया और वो कैमरे में पकड़ गया, पुलिस कंप्लेंट हुई, फिर बड़े मुश्किल से वहाँ से छुड़ा के उसको हमारे पास में लाया। बाद में फिर वो भी पेरेंट्स बोल रहे कि हमको लग रहा था कि कुछ तो भी है, घर में 2-4 बार चोरी हो गई, हमको ऐसा लग रहा था कि भाई कौन चोर है, घर में चोरी कैसी हो गई, लगा कि भाई घर के नौकरों ने चोरी की, हमने 2-4 नौकर बदल दिए, अभी ऐसा लग रहा है कि यही चोरी करता हूँ घर में। ये बच्चों को कुछ टोका, कुछ बोला तो ये खुदकुशी की धौंस देते हैं, घर से भाग जाने की धौंस देते हैं, फिर माँ बाप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर पाते कि भाई पुलिस कंप्लेंट कैसे करना। तो ऐसे लोगों को फिर रिहैब सेंटर में रखना बहुत ज़रूरी है ना, पुनर्वसन केंद्र में रखे, बच्चों का काउंसलिंग, माँ बाप का काउंसलिंग करना जरूरी है। एक माँ बाप ने मेरे पास में एक लड़का लाया, वो किन्नौर में जाके अभी बैठ रहा है और किन्नौरों के साथ में घूम रहा है, फिर ये हुआ कैसे, तो बोले हमको भी अभी लुकिंग बैक, अभी पीछे मुड़ के देखते हुए लग रहा है कि पिछले 2 साल से ये लड़का घर में लेट आ रहा है,
फिर कुछ तो भी उसके मतलब ख्वाबों में रह रहा है, लेट आ रहा, अकेला अकेला रूम में चले जाता है, वहीं सो जाता है घर में, फिर लेट उठेगा। हमको लग रहा है कि भाई नहीं, आजकल कॉलेज भी बराबर होते नहीं है तो ट्यूशन तो बराबर जाता ही होगा, मतलब पेरेंट्स ने भी ख्याल नहीं दिया कि ट्यूशन जा रहा कि नहीं जा रहा। पिछले 2 साल से उसको लत लग गई कुछ नशीले पदार्थों की, और वो खर्चा पूरा करने के लिए उसका एक दोस्त ने बोला कि तू किन्नरों के पास में चल, वहाँ तालियां बजा, उनके साथ में रह और उनके साथ में घूमेगा फिरेगा तो तेरे को पैसे मिलेंगे, काम करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसको वो भी लत लग गई, उसको उसमें अच्छा लगने लगा कि वो लोगों में जाके बैठना है और उनसे मतलब वहाँ जाके घूमो फिरो, कुछ मांगो और अपना शौक पूरा करो। जब ये घर में मालूम पड़ा तो माँ तो बेहोशी हो गई कि ऐसा हुआ ही कैसे। मगर मुझे बताना है माँ बाप को कि भाई आप ख्याल नहीं करते हो, आप ख्याल देते नहीं हो, थोड़ा भी बिहेवियर में बर्ताव में कुछ फर्क दिख रहा है तो तुरंत उसको टोकना चाहिए, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए और उसको तुरंत कंसल्टेशन काउंसलिंग के लिए लेके आना चाहिए। तो ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा बोलते हैं, मगर एक बार हुआ है तो जल्दी उसका मतलब डायग्नोसिस हुआ, जल्दी पकड़ में आ गया तो जल्दी अच्छा हो सकता है। तो ये हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसलिए हम काम कर रहे हैं, वो मिशन में आपका भी हाथ लग जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आपके फेसबुक के ऊपर ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूमात हो जाएगा और काफ़ी सारे बच्चों की ज़िंदगी हम बचा सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।